Hey, what's up gamers? क्या हाल चाल है? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रैगन वर्सेस वाइकिंग्स में। तो यार काफी ज्यादा दिनों के बाद वीडियो आ रही है एंड उससे भी ज्यादा दिनों के बाद जो है ड्रैगन वर्सेस वाइकिंग्स की वीडियो आ रही है। तो अभी ना थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं, बट नेक्स्ट मंथ से ना सारी वीडियो जो है टाइम टू टाइम आने लग जाएगी। बट अभी के लिए जो है मैं नाइट फ्यूरी को राइड कर रहा हूँ एंड लास्ट वीडियो में आपको याद होगा, अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूँ क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं इस वीडियो को आए हुए ड्रैगन वर्सेस वाइकिंग सीरीज को। सो नाइट फ्यूरी अभी हमारे पास लेवल 50 का हो चुका है एंड ये नाइट फ्यूरी ना रेयर नाइट फ्यूरी है। जितने भी ड्रैगन हमें इस वर्ल्ड में मिल रहे हैं सारे जो है रेयर हैं। एंड आज के वीडियो में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है नाइट फ्यूरी को लेवल 100 पे लेके जाना है एंड उसके बाद इस वर्ल्ड में हमें ढूंढना है रेयर विल्डर बीस्ट को। यस भाई, इस वर्ल्ड में रेयर विल्डर बीस्ट भी है तो उसको हमें ढूंढना है एंड उसको ना हमें हैच करना है एंड लेवल 100 पे भी लेके जाना है। तो आज की वीडियो ना काफी ज्यादा जो है मजेदार होने वाली है। ड्रैगन ट्रीट्स मैंने बना लिए। लास्ट वीडियो में हमने जो है एक ऑटोमेटिक जो है सेमी ऑटोमेटिक आप बोल सकते हो अपने लिए जो है बोन फार्म बना लिया था। तो अब ना हमारे पास बोन्स की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली, जिससे हम जो है बहुत सारी जो है ड्रैगन ट्रीट्स बना सकते हैं एंड नाइट फ्यूरी को जो है मैं जल्दी से लेवल 100 का कर देता हूं। एंड तब तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार आगे ना काफ़ी ज़्यादा औसम जो है कंटेंट आने वाला है। सो अभी ना यहाँ पर नाइट फ्यूरी भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो तो हो रहा है, बट यार ये ऊपर जाके बैठ गया है एंड इसको ड्रैगन ट्रीट्स खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो फटाफट ना मैं इसको ड्रैगन ट्रीट्स खिलाता हूँ एंड लेवल 100 पे लेके चलते हैं इसको। एंड ये हो चुका है इसी के साथ हमारा टूथलेस लेवल 100 का। भाई बहुत ज़्यादा जो है जॉइंट हो चुका है एंड रेयर में इसका कलर कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी आँखें अलग हैं एंड जाइंट तो बहुत ज़्यादा है यार। टूथलेस तो मतलब स्पीड के मामले में तो इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन है। एंड भाई एक बार पास तो आ जाए यार, मेरे पास जो है ड्रैगन की छड़ी भी नहीं है जिससे जो है मैं इनको कंट्रोल कर पाऊँ, बट स्टिल हम इनको स्पॉन कर सकते हैं, फॉलो करवा सकते हैं, सुला सकते हैं, स्लीप करवा सकते हैं। एंड हियर वी गो भाई, मैं अभी ना टूथलेस को राइड कर रहा हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा जो है जाइंट है यार, बट स्टिल हम इसके ऊपर बैठे हुए दिख तो रहे हैं। विल्डर बीस्ट को जब हम लेवल 100 पे करेंगे ना तो विल्डर बीस्ट भाई दिखेगा भी नहीं हमें यार, काफ़ी ज़्यादा जाइंट होता है। बट नाइट फ्यूरी की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, सीधा यहाँ से हम निकलते हैं विल्डर बीस्ट ड्रैगन एग की तलाश में एंड ये ड्रैगन एग ना इतना आसानी से हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस वर्ल्ड में भाई पता नहीं अब कहाँ मिलेगा हमें। वैसे मिलना हमें ओशन में ही चाहिए, बट वहाँ पर उसे कौन गार्ड कर रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हर वर्ल्ड में विल्डर बीस्ट को कोई ना कोई गार्ड करता है। लास्ट वाले वर्ल्ड में हमारे फ्रोस्टमो गार्ड कर रहा था उसे एंड अभी हम चलते हैं जल्दी से ढूंढते हैं उसको एंड लेट्स सी कहाँ मिलता है हमें वो। ओके, तो अभी मैं आ चुका हूँ ओशन में एंड यहाँ पर मुझे ना एक आइलैंड दिख रहा है छोटा सा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कुछ है ओबेलिस्क है यहाँ पर जो कि हमारे काम आ सकता है। एक काम करते हैं, एक बार तो इससे उतरते एंड ये यहाँ पर एक चेस्ट एंड क्रेब ओबेलिस्क है, ये ना काम की चीज़ है। तो यहाँ पर इस चेस्ट के अंदर तो खाली था एंड यहाँ पर एक क्रेब ले गए, कुछ चोरस फ्लावर है एंड डायमंड की शोवेल है जिसके ऊपर सिल्क टच लगा हुआ है। ओके, ये काम आ सकती है। आयरन वाली भी रहने देते हैं अभी तो अपने पास एंड नाइट फ्यूरी को भी रहने देते हैं। इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर ना क्रेब स्पॉन होने वाला है, इसको हमें मारना पड़ेगा। यस, स्पॉन तो हो चुका है एंड भाई नाइट फ्यूरी ने खत्म कर दिया यार इसको, भाई नाइट फ्यूरी काफ़ी फास्ट रहा है। यहाँ पर हमें वाटर एसेंस मिला है जो कि ना हमें फॉरेस्ट ब्यूरी बनाने में मदद करने वाला है। तो ये तो बात की बात है, अभी हमारा गोल जो है विल्डर बीस्ट है तो हमें वाटर एसेंस मिला है, कुछ काम की चीज़ें मिली है एंड ओशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर एंड लेट्स सी कि हमें जल्दी यहाँ पर जो है विल्डर बीस्ट का नेस्ट मिल जाए, क्योंकि भाई विल्डर बीस्ट का नेस्ट ढूंढना बहुत टफ है यार ओशन के अंदर। ओ वेट, दिख गया मुझे यार विल्डर बीस्ट का नेस्ट एंड यहाँ पर ये कौन है भाई, ये येटी है। हाँ, लग तो वही रहा था। थोड़ा सा ना दूर उतरते हैं यहाँ से एंड यहाँ पर शेडो वॉरियर का भाई अड्डा बना हुआ है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे उतर जाते हैं हम। ओ भाई पानी में गिर गया मैं। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड भाई ये अल्फा येटी है। तो इसको ना मारना थोड़ा सा टफ होने वाला है। शील्ड रख लिए मैंने अपने पास एंड नाइट फ्यूरी भी टूथलेस भी हमारी मदद कर लेगा थोड़ी बहुत। सो एक काम करते हैं यहाँ से हम चलते हैं नेस्ट के अंदर एंड शायद से इनकी फाइट जो है स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक, तो जल्दी से चलते हैं ऊपर की साइड पे।
कम ऑन, एक सेकंड भाई, ये नाइट फ्यूरी ओके पड़ी इसके, अभी ना ये गुस्से में आया है एंड ये भाई चारों तरफ बर्फ फेंक रहा है एंड डैमेज भी दे रहा है हमें। नाइट फ्यूरी ने इसको अच्छा खासा डैमेज दिया है, फटाफट मारना पड़ेगा इसको हमें। ओह पानी में गिर गया यार एंड नाइट फ्यूरी के भाई पैरों में बर्फ जमा दिया यार, उसने कैसे उड़ेगा बेचारा वो। भाई मेरा टूथलेस तो बिल्कुल फंस गया यार। फटाफट से इसको खत्म करते हैं भाई, बहुत ज्यादा पावरफुल है यार, बहुत कम इसकी हेल्थ कम गई है अभी तक तो। ओके आधे से ज्यादा जो है इसकी हेल्थ खत्म हो चुकी है एंड ओ भाई टूथलेस ने भी इसको अच्छा डैमेज दिया यार। जाने वाला है ये, बहुत जल्दी मरने वाला है। कमॉन कमॉन, बस एक हिट और एड गया। वो टूथलेस ने भी काफी अच्छा डैमेज दिया एंड टूथलेस भाई पूरा बर्फ के साथ जम गया है भाई। ओके बर्फ फाइनली पिघली भाई, उड़ ही नहीं पा रहा था वो। एंड एक सेकेंड, ये स्पाइडर चल निकल तू यहाँ से। चलो यार इसको हमने मार तो दिया एंड इसने कुछ ना कुछ तो ड्रॉप किया होगा। सारे आइटम मैंने कलेक्ट तो कर लिए, क्या ड्रॉप किया है इसने, कुछ काम की चीज़ें की हो बस। एक ट्रैवलर्स लॉग बुक मिली है हमें, शायद एक एडवांसमेंट मेड हुई है एंड यहाँ पर आइस बॉम्ब मिले हैं। ओके चलो अभी तो टूथलेस को इसके अंदर ले लेते भाई, ऑर्ब के अंदर। पता नहीं ये कहाँ कहाँ डैमेज खाएगा भाई, थोड़ा सा चोटिल भी हो गया है तो अभी एक काम करते हैं। हाँ नाइट तो होने वाली है बट जल्दी से चलते हैं हम नेस्ट के अंदर एंड निकालते हैं भाई विल्डर बीस्ट ड्रैगन का एग। तो विल्डर बीस्ट ड्रैगन का एग जो है हमें नेस्ट के अंदर मिलने वाला है, तो यहाँ से हमें जाना है टॉप की तरफ एंड इसके अंदर जो है नेस्ट मिलेगा हमें। बट यहाँ से हम डायरेक्ट जंप करेंगे तो हमें डैमेज मिल सकता है, थोड़ा सा यहाँ से नीचे चलते हैं अभी। ठीक है ओके, फाइनली हमें जो है विल्डर बीस्ट ड्रैगन का एग मिल चुका है, लेकिन इसको इंक्यूबेट करने के लिए हमें जो है आइस इंक्यूबेटर बनाना पड़ेगा एंड हमें जो सिल्टच की शोवेल मिली थी ना उससे हम बहुत सारी यहाँ से आइस निकाल लेते हैं। पैक्ड आइस मिलेगी, नॉर्मल आइस मिलेगी, तो ये सारे ना काम आ जाएगी आइस इंक्यूबेटर बनाने के लिए। सो एक बार तो सो जाते हैं, यहाँ पर नाइट हो चुकी है एंड मॉर्निंग होते ही बहुत सारी जो है हमें यहाँ पर आइस इकट्ठा करनी है, तो लग जाते काम पर, आइस इकट्ठा करते हैं एंड उसके बाद जो है यहाँ से निकल चलते हैं सीधा हम जाएंगे घर पर एंड अपने लिए बनाएंगे आइस इंक्यूबेटर। ऑलराइट तो घर तो हम पहुंच चुके हैं एंड अभी एक काम करते भाई, लैंडिंग अभी भी सही से नहीं हुई बट एक बात अच्छी हुई कि टूथलेस को हमारे डैमेज नहीं मिला। ओके तो अभी टाइम आ चुका है अपने लिए आइस इंक्यूबेटर बनाने का, तो एक काम करते बीच में हमें रखना है वाटर बकेट एंड चारों तरफ आइस और ये बन चुका है हमारा टीयर वन का आइस इंक्यूबेटर। बट विल्डर बीस्ट को ना अगर हमें इंक्यूबेट करना है तो कम से कम लेवल 3 का हमें जो है आइस इंक्यूबेटर चाहिए होगा, तो इसको ना हम अपग्रेड कर देंगे बहुत जल्दी। तो लेवल 1 का तो हो चुका है यहाँ पर एंड ये ना थोड़े से बेकार लग रहे हैं, इनको ना साइड से हटा देते हैं। एंड भाई ये पता नहीं हमारे इस ड्रैगन का रेयर वुल्फी मान ही नहीं रहा है यार, एलिमेंटल ड्रैगन। सो इसको ना हमें हैच करना है बट एक चाहिए होगा हमें, तो वीट और ये सारे यहाँ पर रख देते हैं एंड अभी ना हमें देखना है लेवल 2 का बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। सो लेवल 2 को अपग्रेड करने के लिए हमें आयरन चाहिए होगा, तो आयरन तो मेरे पास पड़ा होना चाहिए एंड लेवल 3 पे जाने के लिए हमें माना इन्फ्यूज्ड आयरन चाहिए होगा। ठीक है लेवल 3 तक तो हम ले जा सकते हैं एंड उसके बाद जो है डायमंड एंड ये सारी चीज़ें लगने लग जाएगी, तो वहाँ पर ना थोड़ी सी मुश्किल होगी। गोल्ड चाहिए होगा लेवल 4 के लिए, तो 4 पे भी हम ले जा सकते हैं वैसे तो, बट अभी एक काम करते हैं। आयरन मेरे पास था, ओके मिल गया फाइनली भाई, इस चेस्ट के अंदर आयरन मिला मुझे एंड 48 है भाई। सारे आइटम सारे बिखरे हुए हैं ना, हमारे पास घर है तो घर भी बनाएंगे बहुत जल्दी, बट अभी ना थोड़ा सा पानी लेके आते हैं एक बार तो। सो यहाँ पे हमें पानी मिल जाएगा भाई, अनलिमिटेड वाटर सोर्स भी बनाना पड़ेगा मुझे एंड एक टैंक बना देंगे जिसके अंदर बहुत सारा पानी होगा, तो बार बार इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ेगा हमें। तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें बनाना है टीयर 1 का जो है इंक्यूबेटर एंड उसके बाद जो है हम उसको अपग्रेड का बना सकते हैं टीयर 2 का। तो टीयर 1 का बन चुका है, इसको रखना है बीच में, चारों तरफ आ जाएगा आयरन
एंड ये बन चुका है टीयर 2 का अपग्रेड। सो इसको लगाते हैं यहाँ पर अपग्रेड पे। चलो टीयर 2 पे आ चुका है एंड अभी हमें क्या करना है, टीयर 3 का बनाना है। तो सेम स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले तो जो है हमें टीयर 1 का इंक्यूबेटर बनाना है एंड उसके बाद जो है सेम टीयर 2 का, एंड हमारे पास जो है लैपिस भी पड़ा हुआ है तो टीयर 3 का भी बन जाएगा। तो लेवल 2 का अपग्रेड रखना है, बीच में चारों तरफ रखना है हमें लावा इन्फ्यूज्ड आयरन एंड ये बन चुका है हमारा टीयर 3 का इंक्यूबेटर अपग्रेड, आइस इंक्यूबेटर अपग्रेड। तो अब ना हमारा जो है इंक्यूबेटर हो जाएगा लेवल 3 का। ओके, लेवल 3 का हो चुका है, सो जाते हैं एंड अब ना हम जो है विल्ड बीस्ट का एक को जो है इंक्यूबेट होने के लिए लगा सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेते हैं, बाद में टैंक बना लेंगे क्योंकि उसके लिए ना मुझे वापस से रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे। सो ये हो चुका है हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स एंड यहाँ से जो है हम जितना चाहे उतना पानी जो है अपने आइस इंक्यूबेटर में डाल सकते हैं एंड जितने चाहे उतने ड्रैगन जो है इंक्यूबेट कर सकते हैं। तो हमारा विल्ड बीस जो है इंक्यूबेट होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको होने देते हैं इंक्यूबेट। थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इसको एंड मुझे ना आइस इंक्यूबेटर भी फिल करना पड़ेगा, बार बार फिल करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये एग इंक्यूबेट होने वाला है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सो अभी ना हमारा एग जो है इंक्यूबेट हो चुका होगा। ओके, हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था यार, पूरा एक दिन लगा इसको इंक्यूबेट होने में, बट फाइनली हमारा काम हो चुका है एंड हमारे पास ड्रैगन ट्रीट्स तो अच्छी खासी पड़ी हुई है। आइस वाइस मैंने सारे रख दिए एंड फालतू की चीज़ें सारी हटा दी है। तो अभी चलते हैं, जल्दी से करते हैं इसको इंक्यूबेट क्योंकि मॉर्निंग हो रही है यहाँ पर एंड काफ़ी सही टाइम है। तो इंक्यूबेट करते हैं इसको एंड ये मेल है, तो भाई मेल सही रहा, विल्डर बीस्ट भाई मेल ही जचता है। तो इसका मैं नाम रखने वाला हूँ हल्क, नहीं रखते मेरे हिसाब से, हल्क हमने लास्ट टाइम रखा था एंड क्योंकि मूवी में इसका नाम शायद अल्फा था, तो इसका नाम मैं रखने वाला हूँ अल्फा, क्योंकि इस विल्डर बीस्ट को ना मैं लेवल 100 पे लेके जाने वाला हूँ एंड लेवल 1 पर ये बहुत ज़्यादा जो है क्यूट होता है। अभी तो भाई नॉर्मली लग रहा है, जैसे ही लेवल 25 पर जाएगा ना तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एकदम रेयर ड्रैगन, वहाँ से पता चलेगा कि ये ना रेयर विल्डर बीस्ट है। अभी तो भाई बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो एक काम करते भाई इसको मैं देखूंगा तो यार बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। चलो अभी ना इसको खिलाते हैं ड्रैगन ट्रीट एंड लेट्स सी कि लेवल 100 पर ये कैसा लगने वाला है एंड मेनली तो ये रेयर ड्रैगन कैसा लगने वाला है एट लेवल 25। एंड ये कितना फास्ट ग्रो हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ लेवल 9 पर आते ही भाई कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। भाई मेरे को लग रहा है इससे ज्यादा बड़ा ही नहीं करता हूँ इसको मैं यार, बट इसको ना मैं लेवल 100 पे लेके जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे देखना है यार ये कैसा लगने वाला है, क्योंकि वैसे हमने देखा हुआ है बट ये ना थोड़ा सा रेयर होने वाला है। तो जल्दी से इसको लेवल 25 पे लेके चलते हैं। ऑलराइट 24 एंड ये हो गया 25 भाई, चलो ये चेंज तो हो चुका है एंड इसको ना थोड़ा सा उड़ना भी सिखाई देते हैं। ओके 26 पे ये उड़ना सीख चुका है एंड ओ भाई इसका तो पूरा कलर ही चेंज हो चुका है यार, ये हमारी स्किन जैसा लग रहा है पूरा यार, एकदम पर्पल पर्पल भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। हाँ इसका कलर तो एकदम वाइट है बट बीच बीच में ना पर्पल का जो शेड आ रहा है एंड इसके ना आगे के दांत भाई ये बिल्कुल पर्पल भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, बहुत अलग लग रहा है ये। हाँ ये तो लेवल 25 पे भी भाई मोस्टली ड्रैगन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक दो ड्रैगन को छोड़ दें तो भाई उन सबसे बड़ा ही है। तो अभी तो हम इसको अच्छे से राइड कर सकते हैं लेवल 25 पे, बट लेवल 100 पे हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी ना लेवल 100 पे ये जो है फाइट में काम आ जाएगा हमारे। तो अभी तो ये लेवल 25 पे एंड ही इज लुकिंग भाई बहुत ज़्यादा जाइट लग रहा है यार, एंड मैं तो दिख भी नहीं रहा हूँ, पता नहीं कहाँ इसकी पूछ के वहाँ पे बैठा हूँ। एंड भाई इसकी फायर बॉल्स कितनी ज़्यादा बड़ी है एंड भाई बहुत ज़्यादा डेंजर ड्रैगन है यार ये। सो अभी ना एक काम करते हैं, चलते हैं नीचे की तरफ आराम से, धीरे धीरे करते हैं। एंड अगर आप इसकी परछाई देखो ना तो वहाँ पे आप सही से देख सकते हो इसको, भाई बहुत ज़्यादा जाइंट है यार ये। तो अभी इसको थोड़ी सी और ड्रैगन ट्रीट खिलाते हैं एंड लेवल 100 पे लेके चलते हैं एंड बहुत ज़्यादा जाइंट होने वाला है मुझे पता है, बट फिर भी लेके जाना पड़ेगा इसको। तो यार विल्डर बीच जो है लेवल 90 पर आ चुका है एंड अभी ना इसको ड्रैगन ट्रीट खिलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा जाइंट हो चुका है ये एंड पता नहीं इसका मुंह कहाँ है, पेट कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट 93 तो हो चुका है ये। जल्दी से इसको लेवल 100 करते हैं एंड भाई हमारा काम खत्म हो जाए, भाई बहुत परेशान कर रहा है यार इसको, ड्रैगन ट्रीट खिलाना ही मुश्किल रहा है। ओके 97 98, हाँ अभी फास्ट काम हो रहा है एंड एक सेकेंड दो और चाहिए होगी ना, 99 एंड 100, फाइनली जो है हमारा अल्फा विल्ड बीस्ट जो है लेवल 100 का हो चुका है
एंड दूर से चल के देखते हैं, भाई पास से तो दिखता ही नहीं है, इतना बड़ा है ये। सो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हाइट पे चलते थोड़ा सा। ओ भाई बहुत ज़्यादा जाइट है यार, बहुत ज़्यादा। किसी फाइट में इसको लेके जाएंगे ना तो मुझे नहीं लग रहा है ये किसी को छोड़ने वाला है, बट इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है क्योंकि इसके आसपास भाई इसके पेट के नीचे कोई घुस जाए देख ही नहीं पाए यार ये। सो ये हो गया हमारा विल्ड बीस्ट। अगर इसके ऊपर हम बैठने का ट्राई करें, ओके बैठ तो गया हूँ मैं, बट भाई समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से कंट्रोल करूँ इसको, कैसे कंट्रोल करूँ भाई, बहुत ज़्यादा जाइंट है यार ये। नहीं कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे कूदना पड़ेगा यहाँ से, थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। एक सेकेंड भाई, उड़ तो नहीं रहा ये, बैठा हुआ ही है, बट बहुत ज़्यादा जाइंट है यार, ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल आसमान में हूँ, यहीं से मुझे ना कूदना पड़ेगा। ओके डैमेज थोड़ा बहुत तो मिला है। ओके तो फाइनली हमें जो है आज विल्डर बीस्ट का एग मिला, रेयर विल्डर बीस्ट का एग मिला, एंड ये ना काफ़ी ज़्यादा जो है खतरनाक है, काफ़ी ज़्यादा जाइंट है, एंड इसको ना हमने लेवल 100 पे भी कर दिया है, एंड पता नहीं यहाँ पर कौन से ड्रैगन्स की फाइट चल रही, भाई आपस में लड़ा रहे हैं क्या? हाँ शायद से एक ड्रैगन हवा में आया हुआ है, तो भाई अल्फा निपटा देगा उसको, कोई टेंशन नहीं है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।